झारखंड मिशन पर रांची पहुंचे अमित शाह ने झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को प्रशासन का मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ सरकार चलाने से काम नहीं चलेगा, मंत्रियों के लिए जरूरी है कि वो कार्यकर्ता और संगठन पर भी ध्यान दें। शाह ने कार्यकर्ता दरबार लगाने का भी सुझाव दिया। हिमाचल प्रदेश की कसौली में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने संपूर्ण स्वच्छ आठ छावनी बोर्ड के पार्षदों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर तक सभी छावनियों को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार ऐसे डॉक्टरों को पकड़ने के लिए धावा दल बनाएगी। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि नवंबर में बिहार में कैंसर संस्थान की नींव रखी जाएगी। बिहार के गया में अहमदाबाद बम ब्लास्ट के आरोपी आतंकी मोहम्मद तौसिफ के पकड़े जाने के बाद बोध गया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों की भी जांच की जा रही है। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 21 जगह धमाके हुए थे जिसमें 56 लोग मारे गए थे। कर्नाटक के हुबली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 18 लाख रुपए की लूट सामने आई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश जारी है। लूट की वारदात शहर के देशपांडे नगर में हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सरकारी अफसरों को दी जा रही अनिवार्य सेवानिवृत्ति कानून का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे संविधान और कानून के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस तरह के अभियान बंद होने चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में कांग्रेस नेता ने अदालत के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया। ओडिशा के ब्रह्मपुर में अपराधियों ने एक काउंसलर की सरेआम हत्या कर दी। लखबीर प्रधान पर उसी के घर के सामने हमला हुआ। कुछ लोगों ने मिलकर लखबीर पर तलवार से कई वार किए। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतक व्यक्ति लक्ष्मीधर प्रधान छपरपुर एनएसी 6 वार्ड का काउंसलर था और बीजेडी की ओर से छतरपुर कॉलेज का छात्र नेता भी रह चुका था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार को टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सरकार करार दिया है। ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर जगह सोए रहते हैं और प्रदेश का विकास करने में बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। झारखंड के दुमका जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों को ISO 9000 का दर्जा मिलने जा रहा है। इसका प्रमाण पत्र देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। मौजूदा झारखंड सरकार के 1000 दिन पूरे होने के मौके पर 22 सितंबर को दुमका में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दे रही है, साथ ही अपराध को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। अंबिकापुर के पुलिस लाइन में आयोजित ट्रेनिंग के पहले चरण में इन महिलाओं को कानून संबंधी जानकारी दी गई, जिससे वो ये जान सके कि महिलाओं से जुड़े किन मामलों में अपराध दर्ज किया जा सकता है।